नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुसाफिर हूँ यारों पर। यात्राओं के संस्करण में आज हम पहुँचे हैं भगवान राम की कर्मभूमि चित्रकूट। चित्रकूट स्थित हनुमान धारा जा रहे हैं हम, जो है एक बहुत ही पवित्र और पुण्य धाम पवन पुत्र हनुमान का, या यूं कहूँ राम भक्त हनुमान का। चित्रकूट पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट प्रयागराज है, यहाँ से आप बस द्वारा चित्रकूट पहुँच सकते हैं। चित्रकूट पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर दूर करवी है, यहाँ से आप बस या कार द्वारा चित्रकूट तक पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग पर चित्रकूट आने के लिए इलाहाबाद, बांदा, झांसी, महोबा, कानपुर, छतरपुर, सतना, फैज़ाबाद, लखनऊ, मैहर आदि प्रमुख शहरों में नियमित बस सेवा अवेलेबल है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दर्शन करते हैं राम भक्त हनुमान के। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चित्रकूट को भारत के तीर्थों में बहुत अधिक गौरव प्राप्त है। भगवान राम की कर्मभूमि होने के साथ साथ राम भक्त हनुमान के यहाँ रहने के बहुत से प्रमाण भी मिलते हैं। भारत के तीर्थों में चित्रकूट को इसलिए भी गौरव प्राप्त है क्योंकि इसी में भक्तराज हनुमान की सहायता से भक्त शिरोमणि तुलसीदास को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। हनुमान धारा जाने के लिए आप चित्रकूट से देवांगना पहाड़ी की तरफ प्राइवेट टैक्सीज के साथ भी सफर कर सकते हैं और शेयरिंग ऑटोज और टैक्सी भी जाती है। यह स्थान मध्य प्रदेश स्थित देवांगना पहाड़ियों के ऊपर स्थित हनुमान धारा मंदिर है। चित्रकूट का विकास राजा हर्षवर्धन के जमाने में हुआ। यूं तो भारत में हनुमान जी के एक से बढ़कर एक भव्य मंदिर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा से लगे मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित चित्रकूट धाम के हनुमान धारा मंदिर की बात ही कुछ निराली है। आज भी यहाँ हनुमान जी की बाई भुजा पर लगातार जल गिरता दिखाई देता है। यहाँ विराजे हनुमान जी की आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो हमें देखकर वह मुस्कुरा रहे हैं। साथ में भगवान श्री राम का एक छोटा सा मंदिर भी है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। इसके दर्शन से प्रत्येक व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है तथा मनोकामना भी पूर्ण होती है। अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ स्थित रोपवे, जिसके द्वारा आप नीचे से ऊपर हनुमान धारा तक सीधे चढ़ाई कर सकते हैं। हनुमान धारा में रोपवे की यह सुविधा उपलब्ध है। 140 रुपये देने के बाद आने और जाने का एक साथ ही किराया लिया जाता है। अगर किसी को सीढ़ियों में चढ़ने में परेशानी है तो वह रोपवे के द्वारा भी हनुमान धारा में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंच सकता है। हमने सीढ़ियों का मार्ग चुना। करीब 700 सीढ़ियों के बाद हम पहुंचेंगे भगवान राम भक्त हनुमान के दर्शनों के लिए। तो चलिए, जयकारा लगाते हैं जय श्री राम और अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। ऐसी कथा है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, लंका को जलाने के बाद तीव्र अग्नि से उत्पन्न गर्मी मुझे बहुत कष्ट दे रही है। इस कारण मैं कोई अन्य कार्य करने में बाधा महसूस कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इससे मुक्ति पा सकूँ। तब प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए। वहाँ आपके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की इस पहाड़ी में श्री राम रक्षा स्त्रोत का 1008 बार पाठ किया। जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से जल की एक धारा प्रकट हुई, जिसके पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी यहाँ वह जल धारा निरंतर गिरती है, जिस कारण इस स्थान को हनुमान धारा के रूप में जाना जाता है। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है, इसे लोक प्रभाती नदी या पाताल गंगा भी कहते हैं। हनुमान धारा के बारे में एक अन्य कहानी यह भी है कि लंका में आग लगाने के बाद अपनी पूंछ में लगी आग बुझाने के लिए
श्री हनुमान जी इस जगह पर आए थे। चलिए दर्शन कीजिए मेरे साथ राम भक्त हनुमान के उस अद्भुत स्वरूप के, जिसे हम कहते हैं हनुमान धारा। एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ से आग लगाई थी, तब उनकी पूंछ पर भी बहुत जलन हो रही थी। राम राज्य में भगवान श्री राम ने हनुमान से विनती की जिससे अपनी जली हुई पूंछ का इलाज हो सके। तब श्री राम ने अपने बाण के प्रहार से इसी स्थान पर एक पवित्र धारा बनाई। एक चमत्कारिक पवित्र और ठंडी जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूरत को, पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। यह जगह पर्वत माला पर विंध्य की शुरुआत में रामघाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हनुमान धारा पर आपको हनुमान जी का एक मंदिर देखने के लिए मिलता है जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हनुमान जी के मंदिर के ऊपर सीता माता की रसोई है, जहाँ पर सीता जी ने ऋषियों के लिए खाना बनाया था। यहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिल सकते हैं। राम भक्त हनुमान के दर्शनों के बाद हम जाने वाले हैं सीता रसोई। दर्शन करवाएंगे आपको सीता रसोई में स्थित माता जानकी के भव्य मंदिर का। यहाँ पर उपस्थित पुरोहित इसी कथा का बखान कर रहे हैं, भक्तों को इस कथा से अवगत करा रहे हैं। चलिए दर्शन कीजिए राम भक्त हनुमान के और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं माता सीता की रसोई। हनुमान धारा मंदिर की जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, वहाँ पर आपको बंदर मिलने शुरू हो जाते हैं। सीढ़ियों के एक तरफ आपको हनुमान जी की मूर्ति और दूसरी तरफ गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलती है। वानरों से भरा हुआ यह पर्वत अपने आप में एक अद्भुत स्थान है। आप सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर हनुमान जी का मुख्य मंदिर देखने को मिलेगा। बंदरों की धमा चौकड़ी देखने को मिल सकती है। अगर आप जाते हैं चित्रकूट तो कृपया अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें, क्योंकि ये बंदर कभी भी छुड़ा कर भाग सकते हैं। हम प्रवेश कर रहे हैं माता सीता की रसोई में। माता सीता की रसोई में आपको सीता जी के बर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सीता माँ ने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया। यहाँ बेलन और चौकी भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर और भी मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप दूर दूर तक का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण के साथ माता सीता। आनंद लीजिए इस तीर्थ यात्रा का। कभी यदि आपको आने का मौका मिले तो हनुमान धारा दर्शन करने जरूर आइए। ये है माता सीता की मूर्ति। इसी स्थान पर उन्होंने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया था। यूं तो चित्रकूट का कणकण राममय, परंतु यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि यह स्थान माता जानकी के अद्भुत स्वरूप के दर्शन कराता है। सौभाग्यवश चित्रकूट दर्शन का मौका मिला।
हमने दर्शन किए राम भक्त हनुमान के माता सीता की रसोई के और उन पांच ब्राह्मणों के भी जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्हें माता जानकी के हाथों से भोजन प्राप्त। मंदिर में कई तरह के धर्मार्थ कार्य भी चलते हैं। यदि आप दान देना चाहते हैं तो ऊपर UPI से पेमेंट लेने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नई जगह। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार।